कैनेडा च अपने सुपने पूरे करन गया नौजवान कुछ दिनां च ही संसार नूं अलविदा आख गया। जदों पैर स्लिप होण दे कारण नौजवान स्विमिंग पूल दे विच जा डुब्या अते उसकी मौत हो गई। नौजवान करनाल दा रहण वाला सी जो अजे 12 दसंबर नूं ही स्टडी वीजे ते कैनेडा गया सी। परिवार ने लखां रुपए दा प्लाट वेच के अपने पुत नूं विदेश भेजा सी, पर उहनां नूं नहीं पता सी कि उहनां दा पुत इन्नी जल्दी ही संसार नूं अलविदा आख जावेगा। नौजवान दा नाम नौमित सी, जिसकी उम्र महज 19 साल दी ही सी ते इस 30 सितंबर नूं उसका जन्म दिन भी सी। बेटे दी मौत तो बाद परिवार च मातम छा गया, सारे परिवार दा रो रो के बुरा हाल है। नौजवान विदेश दे विच होटल मैनेजमेंट दा कोर्स कर रहा सी ते पढ़ाई दे नाल नाल एक रेस्टोरेंट दे विच जॉब भी करदा सी। फिलहाल परिवार ने पहला लखा रुपए लगा के अपने पुत नूं विदेश भेजा, पर हुण बेटे दी डेड बॉडी नूं विदेश तो भारत लियाउण लई पैसे नहीं बचे, जिसके चलते हुण परिवार ने सरकार अते प्रशासन तो गुहार लगाई है कि उन्हां दी मदद की जावे अते उन्हां दे पुत दी मृतक देह नूं भारत लियांदा जावे तां जो उह रीत रिवाजा दे नाल अपने पुत दा अंतिम संस्कार कर सकण। गई हुई थी, पुलिस वालों का फ़ोन आया था वहाँ से, लेडीज़ पुलिस का, मेरे छोटे बेटे ने सुना, फिर उसने मेरे को रिकॉर्डिंग सुनाई। वो कहता है मम्मा कह रहे हैं डैड है, मैं कहा नहीं जानूँ ये फेक कॉल है। फिर एक मैंने कहा अपने पापा को सुना रिकॉर्डिंग, इन्होंने सुनी, ये भी कहते हैं मेरा फेक कॉल है। मैं कहा फेक कॉल होती है, हमसे पैसा मांगते, इन्होंने पैसा तो कोई नहीं मांगा। एक उसका कज़न ब्रदर रहता था नमन शर्मा, उसका भी नाम लिया उन्होंने, कज़न ब्रदर नौमित गोस्वामी, नमन शर्मा का ब्रदर था, बहुत इंटेलिजेंट था। दिसंबर 12 दिसंबर को गया था वो, कम ही टाइम हुआ था। हाँ जी, 12 दिसंबर को ही हमें अगस्त को खबर मिल गई है। कितनी उम्र थी? 20वें साल अभी लगना था उसने, इस 3 सितंबर को पढ़ाई करनी। हाँ जी, डिप्लोमा था उसका, एग्ज़ाम हो रहे थे, काम भी मिल गया था, खुश था, शॉपिंग करके आया, मेरे को सारी दिखाई है उसने, मम्मा ये देखो मैं शॉपिंग करके आया हूँ। फिर काम पे भी जाता था, मेरे को भी कह रहा था मम्मी मैं पैसे भेजूँगा, मेरे को नहीं पता था। बहुत समझदार था मेरा बच्चा, बहुत इंटेलिजेंट था, सारे डॉक्यूमेंट अपने खुद बनवाता था, सारे उसके फ्रेंड वहीं पे ही हैं, मिलता जुलता रहता था, सबसे मिलता था वो। प्रॉपर्टी बेच के भेजा? हाँ जी, प्लॉट बेचा। हाँ जी, छोटा भाई भी, छोटा भाई है वो 10th में है, श्रीधर स्कूल में पढ़ते थे दोनों बच्चे, वो बड़े वाला भी वहीं से पढ़ा, ये भी छोटे वाला भी वहीं पढ़ा। पता चला हादसा कैसे हुआ? कह रहे बस पैर स्लिप हुआ है पूल में। मैंने पूछा है, मैं कहा बेटा पानी वाली जगह तो नहीं है? कहता नहीं मम्मा, आपको लगता मैं पानी वाली जगह में जाऊँगा? मैं बेटा प्लीज वहाँ ना जाइयो, मैंने तेरे को समझाया हुआ है ना? कहता नहीं मम्मा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरे को नहीं पता था। देखना चाहते हैं, मैंने तो एक बार वीडियो कॉल पे ही देखे हुए हैं बस। आखिरी बार कब बात हुई थी? संडे को हुई थी हमारी, संडे को भी हुई है, संडे शाम को भी हुई है जब तैयार हो रहा था, संडे दोपहर को भी आई है, सैटरडे संडे दोपहर को हुई है, उधर की सैटरडे की रात थी, शिफ्ट से आया था 1:30 बजे। मम्मी मैं खाना खा रहा हूँ। क्या काम क्या करता था वहाँ? होटल में था वो, होटल में था, होटल मैनेजमेंट का ही काम सीखने गया था वो, डिप्लोमा वही था, वहीं पे उसकी जॉब लग गई थी अभी कुछ ही वक्त पहले। जॉब कुछ बस थोड़ा 2 हफ्ते ही हुए थे बस, अभी शिफ्टें मिलती थी, उन्हें सेटिंग कर रखी थी। मैं मेरे एग्ज़ाम भी हैं, मेरे को एग्ज़ाम के लिए छुट्टी दे देना करना। वो कहते थे कोई नहीं हम दे दिया करेंगे, हम दे दिया करेंगे, प्राइवेट जॉब है उनकी। अब आप मदद चाहते हैं, बॉडी चाहते हैं, मदद, बॉडी आ जाए, मेरा बेटा आ जाए, घर आ जाए मेरा बेटा। उन्हें तो कहा बहुत नाम मम्मी मैं रोशन करूँगा, हमें नहीं पता था, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था मेरा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। दिसंबर में नौमित अपने स्टडी वीज़ा पर कनाडा गया था, लंदन सिटी। और हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चों को लेकर कि हम अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे, और मिडिल क्लास फैमिली यही सोचती है कि अपनी जो जमा पूंजी है हम वो सारी लगा के बच्चे को बाहर भेजें।
अपना जितना भी था इन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके नोमित को बाहर भेजा था, पर एक कल सडन कॉल के दौरान हमें पता लगता है कि नोमित एक्सपायर हो गया। और जितना पता लगा कि वो फ्रेंड्स के साथ फैनशॉ लेक, वहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है, वहाँ पे घूमने गया था, और जिसके बाद वो स्विमिंग पूल में गया उसके बाद वो डेड होकर ही पा रहा है। तो परिवार की स्थिति कैसी है? परिवार की स्थिति तो अब सबको पता है, जिनका चिराग बुझ जाता है, जिनके घर आग लगती है, सेका उन्हीं को ही होता है। तो मैं आपके माध्यम से भी यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके गो फंड मी पर जाकर, नोमित गोस्वामी का प्रोफाइल बना हुआ है उस पर जाकर ही डोनेशंस दें जितना हो सके। और हम भी प्रशासन से गुहार लगाएंगे, सीएम साहब से गुहार लाएंगे कि जितना हो सके मदद करें आगे आकर, और नोमित का शव भारत लाया जाए जो कि हम रीति रिवाजों से उसका संस्कार कर सकते। नोमित फोन कितने गया था, कैसे गया था? नहीं, बिल्कुल स्टडी वीजा पर गया था, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, यहाँ पर भी वो बहुत सेवा करता था और बहुत अच्छे नेचर का वो लड़का था और सेवा भाई भावी था। और ऐसा बच्चा अगर हमारे बीच चला गया, हमारे बीच से, तो बहुत दुख गया। आपका नाम? मेरा नाम गुरकीरत सिंह।